गाइस, अभी जो सफेद फूलों से भरा पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम है रेन लिली। और आज की इस वीडियो में हम इसी पौधे के बारे में अच्छे से जानेंगे। अगर आप नए गार्डनर हैं या फिर गार्डनिंग में दिलचस्पी रखते हैं और अपना खुद का गार्डन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करिए, क्योंकि ये अमर होता है। जी हाँ, डोंट बी शॉक्ड, मेरे 10 साल के गार्डनिंग के जर्नी में मैं देख चुका हूँ कि ये पौधा कितना बड़ा ढीठ है। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे दोस्त ही ढीठ प्रजाति के हैं, लेकिन अब पता चला कि रेन लिली उनसे भी आगे। बात करें अगर हम इसके कलर्स की, तो ये डिफरेंट कलर्स के फूल देता है। मेरे पास 3 कलर्स हैं, व्हाइट, पिंक और येलो, बट अनफॉर्चुनेटली येलो अब नहीं रहा। ये होते तो बहुत सारे कलर्स के हैं, पर मैंने अपने आंखों से सिर्फ 4 कलर्स देखा है, व्हाइट, रेड, येलो एंड पिंक। बट बिलीव मी, जितना खूबसूरत व्हाइट कलर दिखता है उतना कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, आप स्क्रीन पर सारे कलर्स देख सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि हम इसे कहां से खरीदें। तो गाइस, सबसे पहला ऑप्शन है नर्सरी। आप अपने लोकल नर्सरी से इसे खरीद कर ला सकते हैं। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो ये आपके इलाके पर डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में रहते हैं। अगर आपके इलाके में कम नर्सरीज हैं, तो वहाँ ये महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं और पैसे की कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, पर आगे एज यू विश, ऑनलाइन आपको सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब बात करें अगर इसके प्रोपेगेशन की, तो मैंने पहले ही बताया है कि ये इजीएस्ट टू ग्रो है। ये बल्ब से ग्रो होने वाला पौधा है। जिन लोगों को बल्ब का मतलब नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं, बल्ब प्याज लहसुन जैसे दिखने वाले पौधे का एक पार्ट होता है, जो एक बेबी प्लांट ग्रो कर देता है। अब आप लोग इस बल्ब को मिट्टी में डालकर ग्रो मत करने लगना। रेन लिली को ग्रो करना बेहद बेइंतहा आसान है। बस आप इसके चंद बल्ब को मिट्टी में दबा दें, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जानते हैं कि इसे कैसे साइज के और किस शेप के गमले में लगाना चाहिए। तो गाइस, ये बहुत हार्डी होता है, तो आप इसे हर तरह के गमले में ग्रो कर सकते हैं। पर हमें कोई भी पौधा लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के गमले में ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने जिस गमले में इसे लगाया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का पॉट रेन लिली के लिए परफेक्ट होता है। रेन लिली के लिए आप हमेशा ऐसे गमले को चुने जो कि गहराई में कम हो और चौड़ाई में ज्यादा। इसके लिए चपटा चौड़ा प्लांटर इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप इसे चौकोर गमले में लगाते हैं, तो ये कुछ दिनों तक आराम से रह लेगा, वरना छोटे गमले में होकर ये गमले को कुछ ही दिनों में तोड़ देगा। तो गमले का साइज और शेप भी मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसे कहाँ पर रखें। सो अगेन आई गोना रिपीट द सेम लाइन, ये काफी हार्डी होता है, तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। पर अगर आप इसे फुल्ली धूप में रखते हैं, तो इसके ऊपर के पत्ते थोड़े से जल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे शेड में रखेंगे, तो इसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। और वैसे भी पूरे साल इसके पत्ते को ही देखकर सबर करना पड़ता है, क्योंकि यह सिर्फ बरसात यानी रेनी सीजन में ही फ्लावरिंग करता है, इसीलिए इसका नाम रेन लिली रखा गया है। पता नहीं ऐसा क्या कुदरत का करिश्मा है कि बारिश की बूंदे इस पर जाते ही ये एक दो दिन में फ्लावरिंग कर देता है। चलिए अब बात करते हैं इसके सोयल मिक्सचर की। तो अगेन आई गोना रिपीट द सेम लाइन, ये बहुत हार्डी होता है और आप इसे कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके मिक्सचर में 50% नॉर्मल सोयल, 30% कोई कंपोस्ट और 20% रेत डालते हैं, तो ये परफेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं इसमें वाटरिंग की। सो अगेन आई विल नॉट रिपीट द सेम लाइन, आप इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसे खिलना तो बारिश के पानी से ही है। मुझे तो लगता है कि बारिश की बूंदे के साथ इसका पक्का कोई ना कोई चक्कर है, इसलिए पूरे साल फ्लावरिंग नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं इसमें कंपोस्ट डालने की। तो नॉर्मली इसे किसी भी कंपोस्ट की जरूरत नहीं होती है, पर अगर आपका मन है, तो कोई भी कंपोस्ट फीड कर सकते हैं। कंपोस्टिंग के मामले में सिली वाले बड़े स्मार्ट निकले, इन लोगों ने टॉयलेट टंकी के आसपास ही रेन लिली को लगा दिया है। फिर क्या, रोज कंपोस्ट मिलता रहता है इन्हें, इसे कहते हैं चालाकी। और प्लांट्स को भी देखो, इनके कंपोस्ट से कितना खुश है। आई होप आई क्लियर्ड ऑल अबाउट रेन लिली, पर अगर कुछ भी मिस हो गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो चाहे जैसा भी लगा हो, पर चुपचाप से लाइक करो, वरना उंगली तोड़ दूंगा आकर। चले आते हैं फ्री का वीडियो देखने, और लाइक इनका फूफा करेगा। एनीवे, वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आपका पूरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।